देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में एक बड़े इलेक्शंस की तैयारियां हो रही हैं। ये कहा जाए कि अब इलेक्शंस में 10 दिन का वक्त भी बाकी ना है तो फिर ये गलत ना होगा, लेकिन 10 दिन का वक्त भी नहीं है और पाकिस्तान भर में अगर इलेक्शंस के माहौल की बात करें तो वो उस अंदाज में नजर नहीं आते। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और जरा बात करेंगे कि जो सियासी जमातों ने अपने मंशूर का ऐलान किया, इस मंशूर में पिछली बार के मुताबिक के कंपैरिजन में क्या तब्दीली आई है, ये मंशूर कितना नया है और ये कितना हकीकत पसंद आना है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ ये भी जरा तस्करा करेंगे कि इस मंशूर के बाद क्या आवाम के लिए इस मंशूर में कुछ पाया जाता है। यानी हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शुएब राजा साहब, सीनियर सहाफी जर्नलिस्ट हैं, और हमारे हमरा मौजूद हैं मुकीम अहमद साहब यूके से, वो भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और हम जरा जानेंगे कि इस इलेक्शन को पाकिस्तान में कैसे देखा जा रहा है और पाकिस्तान के बाहर कैसे देखा जा रहा है। मुकीम साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये इलेक्शंस कैसे देख रहे हैं आप, और ये जो आपने सियासी जमातों के मंशूर का सुना होगा, नून लीग ने अपना मंशूर दिया, पीपल्स पार्टी ने अपना मंशूर दिया, पीटीआई डायरेक्टली तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करी, उन्होंने भी अपना मंशूर दिया, आपको किसी का कोई मंशूर अपील किया, कोई नई बात लगी? बहुत शुक्रिया मुनीर भाई, इस वक्त का सबसे कीमती सवाल है जो ये आपने फ्लूट किया कि वो मंशूर अगर किसी तरक्की याफ्ता मुआशरे के साथ कंपैरिजन करें तो वो एक बाइंडिंग मुआहिदा होता है कैंडिडेट्स, सियासी पार्टियों और आवाम के दरमियान। हमारे यहाँ चूंकि वो उसे सिर्फ जो है ट्रक की बत्ती समझा जाता है और समझा गया है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 76 साल की तारीख में कि किसी ने मंशूर दिया हो और उस पर अमल किया हो, या यूं कह लें कि कोई तीन प्रायोरिटीज भी पूरी की हो, अगर टॉप थ्री उसमें से आप उठा लें 1970-77 कभी भी, 90 में, उसके बाद में, 2004 में, 18 में, कि वो किसी ने पूरा किया हो या उसको इम्प्लीमेंट किया हो। ये सिर्फ ड्रामेबाजी होती है, ऐसे ही मुंशी टाइप आदमी और रिटायर्ड उस्ताद और वो जो साइड पे काम करने वाले साफी उन्हें बिठा देते हैं कि जनाब ये घड़ दो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, लीडरों को खुद पता भी कुछ नहीं होता कि ये क्या लिख के हमें दे दिया है, और ना कोई तहकीक होती है, ना कोई थिंक टैंक है किसी जमात के पास कि जो उन्हें बता सके कि जनाब ये इश्यूज हैं, हालिया दौर में ये चीज डिवेलप करनी है या ये कोई सिस्टम लाना। मिसाल के तौर पर अब नए जमाने की नई चीजें, पुरानी तो बड़ी बड़ी चीजें, मैं सिर्फ ये मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, अगर वो तहकीक करने वाला हो, कोई तालिब इल्म बैठा हो वहां, कि जैसे ट्रैफिक का मसला बढ़ जाता है कि गाड़ियों की आपने लीजिंग परचेजिंग शुरू कर दी लाखों के हिसाब से, तो अचानक सड़कों पे इजदहाम क्रिएट हो जाता है। अब वो एक बहुत बड़ा मसला होता है, उससे एक्सीडेंट भी होते हैं, उससे वो लेन देन, चूंकि वो बैंकों का और कर्जे का इन्वॉल्वमेंट होती है, फिर वो अदालतों में मसले जाते हैं, तो वो उसके लिए कोई सिस्टम बनाना पड़ता है कोई। लेकिन लेकिन मुकीम साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये मंशूर में बड़ा वक्त लगा है, नून लीग ने तो आखिर 5-7 दिन 10 दिन पहले ही मंशूर अनाउंस किया है, अब साला साल से बकौल नून लीग उसकी तैयारी कर रहे थे, पीपल्स पार्टी तैयारी कर रहे थे, कोई एक बात तो होगी जो आपको अपील की हो, जिस पे आपको लगता हो कि हकीकत पसंद भी है और ये डुएबल भी, ये हो जाएगा काम? ये बात है, ये डुएबल या वायबल है और एप्लीकेबल कोई नहीं है, ये सब जो है फर्जी बातें घड़ रहे हैं, वो ये इसका ग्राउंड से ताल्लुक ही कोई नहीं है। मुझे बता दे पीपल्स पार्टी को 1 करोड़ घर कहाँ से बना देगी और कैसे बना देगी? वो जो अभी हालिया सैलाब में सिंध में लोग बेघर हुए थे, वो अभी तक सड़कों पे और खेमों में पड़े हुए हैं, उनको आप 71,000 टोटल घर दे सकते हैं, जो फैक्ट्स मैंने चेक किए हैं, वो सिंध पीपल्स हाउसिंग के नाम से जो इदारा बनाया गया था, 71,000 टोटल घर दिए हैं, जबकि जरूरत शायद 14 लाख से भी ज्यादा की थी। तो अब आप ये अंदाजा लगा लें कि वो उनको आप अकोमोडेट नहीं कर सके इतने सालों में, और 1 करोड़ घर कहां से बना देंगे? ये इसी तरह की वो ये 300 यूनिट बिजली की बात हो रही है, वो नहीं मिलेगी आवाम को मुफ्त बिजली का जो दावा किया जा रहा है नून लीग के मंशूर में भी, पीपल्स पार्टी के मंशूर में भी? जुल्म हो रहा है हमारे साथ अभी जी, वो इस तरह पीटीआई पहले कर गई 1 करोड़ घर, 50 लाख, एक
लेकिन मुकीम साहब, ये जो मुफ्त बिजली का जो दावा हो रहा है मैनिफेस्टो, दोनों ही बड़ी जमातों के मैनिफेस्टो में तस्करा है कि 300 यूनिट, 100 यूनिट, 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, आपको लगता नहीं आवाम को ये मिलेगी? ये मैं आपको ये बता दूं, पिछली मरतबा ये पीएमएलएन ने कहीं कोई रिलीफ देने की बात की थी, जब कैलकुलेशन सामने आई थी तो 175 अरब रुपए का खर्चा पड़ा था। तो ये वो वही बात है कि वो गंजी धोएगी क्या और नचोड़ेगी क्या, ये इसी किस्म की बात है। कहाँ से आप यूनिट दे देंगे, पैसे ही नहीं है, इकोनॉमी नहीं है आपकी कि वो इतना बड़ा झटका बर्दाश्त कर ले। शुएब भाई, मैं चाहूंगा मुकीम साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, शुएब भाई मैं चाहूंगा जरा मैनिफेस्टो को जरा आप भी इलैबोरेट करें। नून लीग का मैनिफेस्टो का टाइटल बड़ा जबरदस्त है कि पाकिस्तान को नवाज दो, उसी तर्ज में पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो का टाइटल और ज्यादा मुनफरद है। आपको ये मैनिफेस्टो देखते हुए लग रहा है ये सियासी जमातों का मैनिफेस्टो है और ये कितना इंप्लीमेंट होगा या महज ये इलेक्शन की तकारीर तक महदूद रह जाएगा? ब्रांडिंग हो रही है जी लीडरों की। अब उसमें नवाज शरीफ साहब का पहला हरूफ जो नाम का वो नवाज है भाई, वो जी शुएब भाई, जी शुएब भाई, जी बस नवाज देंगे, अपने लोगों को नवाज देंगे जो उनके करीबी हैं, और किसको नवाज नहीं होंगे। इन्होंने आज तक किस किस को नवाजा है अगर आप हिस्ट्री खोल के देख लें, इनके पिछले मंशूर जो थे उनपे कितना अमल हुआ, कोई 1% भी अमल हुआ तो मुझे बता दें। अब कैसे कर लेंगे, अब कौन सी दूध की नहरें बहा देंगे, इनके पल्ले कुछ नहीं है भाई। ये सब ये झूठ की दुकान है, जितनी मर्जी उसको सजा लें, जैसा मर्जी कर ले। मुकीम साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि यहाँ पे ना तहकीक होती है ना कुछ और होता है, बस मुंह उठा के एक वादा कर दिया, कल को कहेंगे हम उकर गए भाई, हम नहीं कर सकते, क्या करें, इनके पल्ले कुछ नहीं है। आपने $36 अरब इस साल देना है, उसका तो बता दो कहां से दोगे, बाकी तो बाद की बात है। मैनिफेस्टो मतलब तो बिजली जो है हर चौथे दिन 4-5 रुपए बड़ी होती है, इस मतलब ये कि ये जो है क्या नाम है मतलब सबको ये जो मैं एक सवाल शुएब साहब ये भी है, लेकिन शरारता नहीं सही, मुझे बताएं कि आईएमएफ ने ये मैनिफेस्टो देखे हुए हैं, आईएमएफ जानता है ये मैनिफेस्टो में ये कुछ लिखा जा रहा है? आईएमएफ का तल्लक ही नहीं है भाई, ये तो लोगों को बेवकूफ बनाना है, हमारे लोगों को बेवकूफ बनाना है, आईएमएफ को थोड़ी बेवकूफ बना रहे हैं, उनको पता ही है इनको। सर लेकिन माशी मामला है ना, इसकी अप्रूवल तो आईएमएफ से आती है, तो आईएमएफ ने अप्रूवल दी होगी, क्योंकि ये वो जमातें जो 16 माह हुकूमतों में रही हैं, तो शायद आईएमएफ की अप्रूवल होगी इनके पास। नहीं, आईएमएफ की अप्रूवल तब होगी जब ये हुकूमत में आएंगे, अभी तो ये हुकूमत में नहीं है ना, बाहर बैठे हुए, राइट टू अंडरस्टैंड यार, बाहर बैठे हुए कोई भी लारा लगाना है। मैं आपको कह देता हूँ, मैं आपको बीएमडब्ल्यू दे दूंगा, कहां से दूंगा भाई। तो इस मैनिफेस्टो की आप कह रहे हैं कोई हकीकत नहीं है, पीटीआई ने भी मैनिफेस्टो दिया है, पीटीआई तो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर रही, पीटीआई क्यों मैनिफेस्टो दे रही है? पीटीआई बताओ पार्टी तो इलेक्शन नहीं लड़ पा रही, तो फिर क्या मैनिफेस्टो की वजह बनी? नहीं देखिए बात यह है कि पीटीआई जो है बहरहाल इस वक्त सबसे मजबूत पार्टी तो वही है, क्योंकि उसको इलेक्शन भी लड़ने दिया जा रहा है, ये एक अलग कहानी है। पाकिस्तान में सबसे जो मकबूल पार्टी है वो तो वही है, सही, तो ठीक है उन्होंने अपना मैनिफेस्टो दे दिया जो उनकी समझ में आया। और शुएब साहब ये भी बताइएगा, शुएब साहब ये भी हाईलाइट कीजिएगा कि इस वक्त जो दोनों बड़ी जमातें हैं, अगर हम देखें तो पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने नजर आती हैं। अनफॉर्चुनेटली कराची में कल एक वाकया हुआ जिसमें एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के वर्कर्स आमने आए सामने आए, वहां पे अमलाक जलाई गई, कुछ इस तरह की भी इत्तला आ रही है कि इस पूरी मुहिम के दौरान कुछ लोग जख्मी भी हुए, कुछ लोग जहां भाग भी हुए, तो फिर आपको लगता नहीं है कि ये माहौल खराब होता जाएगा? जी बिल्कुल, ये जो है देखें बात बड़ी सीधी सी है, इस वक्त तो ये मतलब ये कि ये मंडी लग गई है ना, जिसके जो हाथ में लगेगा वो भाग उठाने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन आप एक तरफ और देखें ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपने इस चीज पे गौर नहीं किया कि कभी ऐसे हुआ है कि इलेक्शन से 10 दिन पहले दफा 144 का नफाज हो गया हो, कोई हिस्ट्री में वाकई याद है आपको? सर अमनो अमान की सूरत हाल के लिए हो रहा है ना, अमनो अमान की सूरत हाल के लिए तो क्या जा सकता है, हुआ क्या है भाई, अमनो अमान को हुआ क्या है? सर वो हो सकता है इदारे बेहतर जानते हो और आपको मेरे हिल में ना हो, हमने सुना है कि 10 दिन पहले दफे 144 लग गई हो, और फिर 144 भी सिर्फ एक पार्टी के लिए,
नून लीग को पूरे प्रोटोकॉल के साथ वो कैंपेन करने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी वहां पे पूरे प्रोटोकॉल के साथ पुलिस की गाड़ियों सर में। असल में देखे ना, देखे ना, देखे बात सुने ना, जो मामला थे वो तहरीक इंसाफ ने खराब किए ना। तहरीक इंसाफ ने जलसे जुलूस किए थे, दो दिन पहले भी कराची में जब रैली निकली वहां भी पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था हुए तहरीक इंसाफ के लोग। क्या पता इसको अवॉइड करने के लिए किया गया हो। नहीं 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 ये जो है ना, ये सरासर झूठ है। जब एक पार्टी इलेक्शन में होती है तो उसको हक का असर है कि वो अपनी कैंपेन करे, उसको हक का असर है वो अपनी रिलीज निकाले, हाँ पुरमन तरीके से निकाले। जब आप उसके अमल में खलल डालोगे तो ऑब्वियसली लड़ाई होगी। अगर पुलिस उनके ऊपर शेलिंग ना करती, कल के दिन कल लाहौर में मैं निकला हूँ, दो तीन जगहों पे गया हूँ मैं, मैंने देखा है वहां पे पुलिस जो है वो आंसू गैस की शेलिंग कर रही है। किस लिए भाई? पुरमन लोग निकले हैं अपने अपने लोगों के लिए, वो उनकी कैंपेन के लिए निकले हैं, रैली निकल रही है, उसमें आपका क्या काम है? मैं ये इसी पॉइंट पे मैं मुकीम साहब को पूछना चाहूंगा। मुकीम साहब से, मुकीम साहब ये जो दफा 144 लगाई गई है इसको पीटीआई प्रोपागेंडा कह रही है, लेकिन बहुत सी तंजीमें इसको अलग अंदाज से देख रही हैं। आपने देखा ऐसा कोई, ऐसी कोई मिसाल के इलेक्शंस हो और दफा 144 नाफिज हो और फिर वो पार्टली इंप्लीमेंटेड हो, सही तौर पर लगाई गई है, इसको अवॉइड किया जा सकता था, इसके मकासद कुछ और हैं? मेरे हिसाब से तो ये एक डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट है और इसको अदालत में चैलेंज किया जाना चाहिए था। आई डोंट नो कि ये पीटीआई के वकलाने से चैलेंज क्यों नहीं किया। ये एक सरीहन इम्तियाजी सलूक है। मैं किसी का तरफदार नहीं हूं, लेकिन हम जो देख रहे हैं और जो ग्राउंड पर हकीकत है या रियलिटी है उसको देखते हैं तो यही चीज सामने आती है कि पीटीआई को उसकी एक्टिविटीज को, उसके वर्कर और लीडर्स को रोकने के लिए ये सारी हरकतें की जा रही है। लेकिन मुकीम साहब आपको नहीं लगता कि पीटीआई के वर्कर्स उतनी तादाद में निकले नहीं है? अगर हफ्ते की बात करें, तहरीके इंसाफ की तरफ से कॉल थी, बानी चेयरमैन की कॉल थी, आप देखें केपीके में आप क्या कोई बड़ी तादाद निकली, पंजाब में कोई बड़ी तादाद निकली, सिंध में निकली, पॉकेट्स में जरूर निकले लोग, लेकिन वो जो तादाद जिसका पीटीआई दावा करती वो तादाद भी तो नहीं निकली ना सर। मैं आता हूँ शेबा आपकी तरफ, मुझे मुकीम साहब का जवाब मुकम्मल करने थे। जी सर, गुजारिश ये है कि वो सियासी वर्कर हैं, कॉल दी है तो वो क्या मार्टर कने घर से लेके आ जाएंगे, मतलब इंतजामिया के साथ लड़ेंगे, क्या करेंगे? ये एक अजीब कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ कि जी वो उसने अगर बानी चेयरमैन ने कॉल दे दी तो पता नहीं वो क्या कर दें। दिस इज नॉट फेयर। ना उनसे ये एक्सपेक्ट मैं करूंगा, ना किसी और को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो आम लोग हैं, आम शहरी हैं पाकिस्तान के। अब वो देखिए कि हमाद अजहर के 92 साल वाले साफ गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अजहर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, दफा 144 से खिलाफ वर्जी हो गई। वो उस्मान डार और उमर डार की वालदा सियालकोट से ख्वाजा आसिफ के सामने इलेक्शन लड़ रही हैं, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, ज़ईफुल उमर खातून है वो, जनाब उनकी गिरफ्तारी करने की कोशिश करती। अब इससे बड़ा पागलपन और क्या हो सकता है कि आप वाजह तौर पे उनके घर के बाहर प्रिजनर वैंस खड़ी कर दी वहां सियालकोट में, और ये नजर आ रहा है अब। और ये लेकिन मुकीम साहब यहीं पे ऐड करूंगा, फिर मैं शुएब भाई की तरफ जाऊंगा, मुझे एक चीज और ऐड कर दें कि अगर तहरीक इंसाफ के लोग जलसे नहीं कर पा रहे, आपको लगता है कि फिर तहरीक इंसाफ जब बल्ले का निशान भी नहीं है अपने वोटर्स को 8 फरवरी के लिए मोबिलाइज कर सकेगी, इलेक्शन डे पे मोबिलाइज कर सकेगी, इलेक्शन मराकज जहां पे होने, इलेक्शन जहां पे होने वहां पे पीटीआई अपने कैंप्स लगा सकेगी? अगर ये नहीं होगा तो टेक्निकल तो पीटीआई 12 बजे से पहले क्लियर हो जाएगा कि डिस्क्वालीफाई हो चुकी है पूरी तरीके से। देखिए अभी उस पर भी काम हो रहा है, पार्टी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए भी बड़ी तेज रफ्तारी के साथ काम हो रहा है। मैं आपको बड़े यकीन से ये कह रहा हूँ कि वो इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं उनमें से एक साइफर वाला, उस पर बड़ी तेजी दिखाई जा रही है। वो जो दो दिन से लगातार अदालत में गर्मा गर्मी हो रही है, उनको भी ये रियलाइज हो गया है कि जनाब हमारे पांव के नीचे से जमीन खींचने की तैयारी हो रही है। सही, तो ये इसका रिएक्शन तो आएगा। अच्छा, दूसरा आप ये फरमा रहे हैं कि पीटीआई सर्वाइव कर पाएगी या नहीं, देखिए उनके लिए अब नाउ और नेवर वाली बात हो गई है 8 फरवरी। अगर तो वो मोबिलाइज कर गए और उनका वोटर बाहर आके वोट डाल गया और वोट भी 50% से ऊपर हुए हल्के में, पोलिंग की शरह अगर 50% से ऊपर ना हुई तो फिर तो वो वहां पे कुछ भी हो सकता है, जैसे जुल्लू फिरते हैं हमारे यहाँ। दूसरी ये है कि और अगर वो वोटिंग की शरह ज्यादा हुई तो और पीटीआई का वर्कर और वोटर बाहर आके वोट डाल गया तो फिर तो उनकी सर्वाइवल है, वरना फिर यह है कि वो ये भूल जाए कि वो इकतदार में आएंगे इस टर्म में,
अब अगली दफा अल्लाह को जो मंजूर हो, लेकिन ये कि फिलहाल वाली जो फिलहाल इन्हें आप एक बड़ा चैलेंज है। मैं शुएब साहब आपकी तरफ आता हूँ, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, फिर जरा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये पूछेंगे कि ये जो चैलेंज है पीटीआई के लिए, ये चैलेंज कितना बड़ा है और इसको पीटीआई कंप्लीट करने के लिए क्या कुछ कर सकती है, और क्या ये चैलेंज पीटीआई को एट द एंड फेवर करेगा या पीटीआई के खिलाफ चल जाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आ जाते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा हो रहा था कि पाकिस्तान भर में जो इलेक्शंस होने हैं, इलेक्शन डे की जो साइंस है वो पाकिस्तान की मुख्तलिफ होती है। इलेक्शन डे पे हम देखते हैं कि कैंडिडेट्स लोगों को घरों से लेके आते हैं, पोलिंग स्टेशंस तक लाते हैं, वोट कास्ट करवाते हैं, इंश्योर करते हैं कि आखिर तक उनका वहां पर वोट इंटैक्ट रहे। पोलिंग डे के जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पे पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान में जो हम शरह खौंदगी की बात करते हैं, लिटरेसी रेट की बात करते हैं, वो भी इतना खराब है कि अब जब एक जमात जिसकी पहचान ही ना हो उसके पास हो, तो वो अपनी पुरानी पहचान की बजाय नई पहचान को कैसे एक वोटर को कन्विंस करें, जहां पे लोगों के पास शऊर नहीं, तालीम नहीं। इसका बेनिफिट किसको होगा और उसका नुकसान किसका होने जा रहा है? शेब साहब, ये जो पीटीआई का सिंबल गया, हम सब जानते हैं कि इसका एक इफेक्ट तो होना है पीटीआई के वोट बैंक पे, लेकिन इसका बेनिफिशियरी कौन हो सकता है ये बताइएगा। और ये जो मुकीम साहब कह रहे हैं कि 50% का वोटर टर्नआउट, आपको लगता है 50% वोटर टर्नआउट होगा पाकिस्तान भर में? देखें, बात फिर वही है, मुकीम साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है, अगर 50% से ऊपर हुआ तो पीटीआई कुछ कर सकेगी, अगर 50% से नीचे रहा तो फिर पीटीआई के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो उनसे जो इलेक्शन सिंबल छीना गया, जिस तरह से छीना गया, वो आपके भी सामने है और मेरे भी सामने है। वो सुप्रीम कोर्ट जो दो सूबों में 90 डेज में इलेक्शन नहीं करा सकी, अपने आइन पे अमल दरामद नहीं करा सकी, वो उस पार्टी के आइन के ऊपर बात कर रही, कमाल नहीं हो गया ये? बहरहाल, ये पाकिस्तान में ऐसे कमालात बड़े होते रहते हैं। अगली बात, जो जो आप बात आप कर रहे हैं, जो कि ये अपना पीटीआई के मतलब लोगों को सिंबल याद कराना, तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि इनके साथ यूथ बहुत बड़ी पावर है। अगर ये अपनी यूथ को प्रॉपरली मोबिलाइज करने में कामयाब हो गए तो ये इंशाल्लाह। लेकिन गांव देहात के इलाकों में शेर साहब, आपको लगता है कि ये मोबिलाइज किया जा सकता है? वहां इंटरनेट इतना पेनिट्रेट करता है, वहां पे लोगों को इतनी अवेयरनेस है, जो कि आपको लगता है कि वहां के एरियाज में कोई बड़ा डेंट कर सके? यूथ को खुद जाके करना पड़ेगा, ये इंटरनेट पे नहीं होगा, ये इनकी यूथ को। शेर साहब, फिर वही बात है, पीटीआई के बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो महीनों से अपने हलकों में नहीं गए, आप कह रहे हैं कि वो उन एरियाज में जाएं जहां पे शायद उनका पहुंचना बहुत मुश्किल है, वहां जाएं और वहां पे लोगों को गाइड करें, अवेयरनेस दें, आपको नहीं लगता है मुश्किल काम होगा? पीटीआई के कैंडिडेट बहुत सारे तो जेलों में पड़े हैं, वो कैसे जाएंगे? ऑब्वियसली उनके वर्कर ही जाएंगे ना यार, उनके जो जो उनकी जो यूथ फोर्स है, उनके जो टाइगर्स जो बने हुए हैं, वो जाए ना, वो ये काम करें जाके, उनके जिम्मे है ये काम। मतलब बहुत सारे आधे से ज्यादा कैंडिडेट तो जेलों में पड़े हैं और कुछ जो है वो भागे हुए हैं, तो वो कहां से जाएंगे? ठीक हो गया शेर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। हमें टेलीफोन लाइन पे केपीके से ज्वाइन करें फजल हक, जरा उनसे जानते हैं कि केपीके की इस वक्त सूरत हाल क्या है और केपीके में इस वक्त आम तौर पे पॉपुलैरिटी वोट किसको नजर आ रहा है। फजल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फजल हक साहब, जरा केपीके की ग्राउंड रियलिटीज बताएं कि कौन लीड कर रहा है, कौन आगे कौन पीछे और मुकाबला किसके दरमियान होने जा रहा है? हाँ जी, शुक्रिया मुनीर साहब हमें अपने प्रोग्राम में दावत देने का और मौका देने का। जी बिल्कुल, आमतौर पर 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐलान हो चुका है। तो खैबर पुख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो खैबर पुख्तूनख्वा में अभी जो सियासी जो मुहिम है, इंतखाबी जो मुहिम है, वो जोर शोर से जारी है।
जमीयत उलमा इस्लाम पे की जानिब से और अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से भरपूर तौर पर, इसी तरह जमात इस्लामी की जानिब से भरपूर सियासी मुहिम जो है ना, जलसे जुलूस कार्नर मीटिंग डोर टू डोर जो मुहिम है वो जारी है। लेकिन ओवरऑल अगर पार्टियों की जानिब से इस पर टाकर की बात की जाए तो जमीयत उलमा इस्लाम पे की और इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी की ज्यादातर हलकों पर जो है ना कांटे का मुकाबला है। इसी तरह तहरीक इंसाफ की जानिब से जो आजाद उम्मीदवार जो है ना मैदान में है तो ज्यादातर इलाकों में तहरीक इंसाफ और इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम पे और बाद जगहों पर जो है ना अवामी नेशनल पार्टी और तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों के दरमियान जो है ना कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां की और परवेज खटक साहब की जमात कहां स्टैंड करती है इस वक्त। इसी तरह परवेज खटक साहब की अगर पाकिस्तान से साफ पार्लियामेंटेरियन की भी अगर बात की जाए तो परवेज खटक साहब की जानब से भी मुख्तलिफ इलाकों में जो है ना जल्द से जुलूसों का सिलसिला शुरू हो चुका है और वो मुख्तलिफ इलाकों पर जाकर अपने जल्द से जुलूस कर रहे हैं और वहां पर अपने खिताब में परवेज खटक साहब ये दावा भी कर रहे हैं कि आने वाले जो है ना सेबर पुतवा हुकूमत में पाकिस्तान से साफ पार्लियामेंटेरियन की हुकूमत होगी और परवेज खटक जो है ना दावा करें कि मैं ही इसी सूबे का वजीर आला हूंगा। उन्होंने यही भी दावा कर रहे हैं परवेज खटक साहब के जो जितने भी आजाद उम्मीदवार जो है ना मैदान में है तो वो जीत कर पाकिस्तान से साफ पार्लियामेंटेरियन में शामिल होकर। परवेज खटक साहब के इस दावे की कोई खास वजह, कोई खास उन्होंने ऐसी कोई बात कही हो जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो दावा जो कर रहे हैं उसके पीछे कोई वजह बनती है, कोई सोच है? जो परवेज खटक साहब दावा कर रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि मैं सीनियर सियासतदान हूं और सीनियर पार्लियामेंटेरियन हूं और मैं मुख्तलिफ जो इसी तरह ये पीपल पार्टी में भी रह चुका है तो और तहरीक इंसाफ में भी रह चुका है तो ये कह रहे हैं कि जो आजाद उम्मीदवार है वो मैदान में है तो ज्यादातर उनके कुलीग्स है, उनके दोस्त है तो इसी बिना पर वो अपनी जो गठजोड़ का उनको माहिर भी समझा जा रहा है परवेज खटक साहब को, तो यही कह रहे हैं कि इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद जब वो आजाद उम्मीदवार। एक चीज और बताइएगा, ये जो आप जो बात कह रहे हैं परवेज खटक साहब, जेयूआई फे मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमात है वो कुछ दिनों पहले तक ये बात कह रही थी कि उनके लिए इलेक्शन में जाना मुश्किल हो रहा है, उनके कैंडिडेट्स को घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है, धमकियां मिल रही हैं, थ्रेट्स हैं, सूबे के हालात से नहीं है, अमन अमान का मसला है। आज आप जो कह रहे हैं कि उनके कैंडिडेट्स डोर टू डोर जा रहे हैं, इसका मतलब अमन अमान की सूरत हाल पे काबू पाया गया है? देखिए अगर बात कीजिए यहाँ पर अमन अमान की तो एक दो अजला की से अलावा बाकी जो खैबर पुख्तूनख्वा के मकाम थे तो वहां पर जमीयत उलमा इस्लाम पे और इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी जमात इस्लामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन मुख्तलिफ सियासी जो जमात हैं वो आजादाना तौर पर अपनी जो है ना इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, अपनी जल्द से जुलूस कर रहे हैं और डोर टू डोर मुहिम में वो भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। सही, इसी तरह एक चीज आखिरी ऐड कर दिया फजलत साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो इस बार सीएम केपी के किसका कौन हो सकता है? पीटीआई ऑलरेडी दो दफा केपीके में तारीख बना चुकी है, इससे पहले केपीके में कभी दो बार कोई एक सियासी जमात का वजीर आला नहीं रहा। इस बार तहरीक इंसाफ के अगर मैं कहूं तो कितने फीसद चांसेस हैं कि उनका वजीर आला हो जाए या उनका जो जिसको सपोर्ट करें उसमें से कोई वजीर आला हो जाए? तो देखें ये तो 8 फरवरी के बाद ये मालूम हो जाएगा कि कौन पार्टी जो है ना कितने सीटें ज्यादा तादाद में जीतेगी, लेकिन अभी जो जो ग्राउंड रियलिटी की बात अगर कीजिए तो अभी तहरीक इंसाफ की साइलेंट वोट जो मौजूद है इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वजीर आला का जो है ना ये तहरीक इंसाफ से मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ से नहीं होगा। ये जो परवेज खटक साहब दावा कर रहे हैं तो शायद ये जमीयत उलमा इस्लाम पे और इसी तरह ये परवेज खटक साहब के जमात से होगा या परवेज खटक। बहुत बहुत शुक्रिया फजल साहब हमारे साथ ज्वाइन कर रहे थे, हमें केपीके की जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में आगाह कर रहे थे। शेख साहब कमिंग बैक टू यू अगेन, आप जो गुफ्तगू कर रहे थे इस वक्त केपीके तहरीक इंसाफ का मेन वोट बैंक तस्वीर किया जा सकता है, स्टिल केपीके के हवाले से कहना मुश्किल है कि वहां पे पीटीआई को बड़ी तो बड़ी कोई बड़ा डेंट डाल सके या वहां पे अपना सीएम ला सके। ऑलरेडी परवेज खटक साहब उनके मध्य मुकाबले हैं जो कि उन्हीं की जमात के हैं और उन्हीं की जमात के इलेक्टेबल्स उनके साथ हैं, तो दीगर सूबों में आपको नहीं लगता कि पीटीआई के लिए तकरीबन मुश्किल होता चला जाएगा और डेफिनेटली नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए एक एज रहेगा सारी सूरत हाल में? जी शेर साहब, देखिए मेमन साहब बात बड़ी सीधी सी है, आपने एक बंदे के हाथ भी बांध दिए पांव भी बांध दिए, उनसे कह रहे हो क्रिकेट खेलो या फुटबॉल खेलो तो वो कैसे खेलेगा, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद अगर इन्होंने इलेक्शन में वो बड़े पैमाने पे झुरलू ना फेरा तो इनको लग पता जाएगा ऐसा नहीं होगा,
ये आप लिख लें। मुकेश साहब आप क्या ऐड करना चाहेंगे इस पे? देखिए सर, जिस हिसाब से बड़ा सिस्टमेटिकली पीटीआई को दबाया जा रहा है, उसकी मिसालें आज की मिसाली दे दूं तो चौधरी परवेज इलाही के हलके में बैलेट पेपर की छपाई रोक दी गई है क्योंकि अदालत ने फिर उस जी जी हलके में उनके उस पे वो कैंडिडेसी के ऊपर एतराज को एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरा, सनम जावेद को कल अदालत ने जमानत पर रिहा किया था, अब उसे वो थाना जलाने के और केस में उठा लिया गया और 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया गया। अब ये दो बड़े डाई हार्ड नाम हैं पीटीआई के, जिनके जीतने के चांसेस भी बताए जा रहे थे, ये चंद एक मिसालें हैं। उसके अलावा ये जितने लोग कल रैली निकाली जिन्होंने, अब उन पे जो पर्चे हुए और फिर उसके बाद वो नामालूम अफराद में सैकड़ों के हिसाब से नाम डाले गए, तो वो डर के मारे कौन सा आदमी बाहर आएगा जिस वक्त तो किसी को भी आप उठा के। लेकिन मुकीम साहब एक सवाल मैं अक्सर समझना चाहता हूँ, मुझे जवाब नहीं मिल पा रहा। माजी में जब इस तरह का कुछ होता था कोई एक सियासी जमात के साथ, तो कुछ हद तक दूसरी सियासी जमातें या मुख्तलिफ पॉकेट्स में इस हवाले से आवाज उठती थी। इस बार पीपल्स पार्टी वोट बैंक की हद तक तो पीटीआई का सपोर्ट दे रही है, लेकिन किसी तौर पे पीटीआई का वोटर पीपल्स पार्टी में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन आपको नहीं लगता कि दीगर सियासी जमातों की तरफ से कोई इस तरह का रिएक्शन नहीं आया और वो सब कुछ कह रहे हैं कि जो 2018 की सूरत हाल थे वही 2024 की सूरत हाल है, बस नाम बदल दिए। देखिए, जिस पार्टी का स्टेक है या जो इक्तदार में हिस्सा चाहते हैं अगली मर्तबा, उनकी तो पूरी ख्वाहिश है कि मुखालिफ हो ही नहीं, मुखालिफ एग्जिस्ट ही ना करे। बिला मुकाबला जीतने वाले जो है ना अप्रोच इस वक्त छाई हुई है, लोगों ने सोच लिया कि जी हमें शॉर्टकट चाहिए, हमने ना तो नजरियात की बेस पर, ना मंशूर की बेस पर, ना प्रोग्राम की बेस पर, ना किसी कारकर्दगी की बेस पर, कि हमें सिर्फ यह मैदान आप खुला दे दें, मुखालिफ को हाथ बांध के कुएं में फेंक दें तो हम जनाब रेस जीत लेंगे अब। और दूसरा यह है कि इमरान खान ने अपनी पॉलिसियों से कोई भी एक सियासी कुव्वत का आप नाम बता दें किसी जमात का जो उसके साथ खड़ी हो, आप इशारा कर रहे थे ना कि किसी जमात ने आवाज नहीं उठाई, पहले ही होता था कि कोई ना कोई कह देता था यार खुदा दा खौफ कर लो, अब वो चक्कर खत्म हो गया, अब वो अगले तो मुलाकातें कर रहे हैं बिहाइंड द सीन और यही कहे जा रहे हैं कि जी 2000 फलां में इसका वजूद नहीं था, तो अब भी इसका वजूद ना हो तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। तो इस किस्म की सोच के साथ तो ये सारा सिस्टम चलाया जा रहा है। और अभी सारे जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं या तो वो जलसा नहीं कर सकते, इंतजामिया उन्हें इजाजत नहीं दे रही किसी एक्टिविटी की, फिर दफा 144 का नफाज है, उसके अलावा ये नामालूम अफराद के पर्चे वाली जो रिवायत चली आ रही है उसमें किसी को भी उठा के फिट कर देंगे कि भाई रस्सा तेरे गले में पूरा आ गया, या जो उम्मीदवार जीतने वाला होगा उसको उठा लेंगे। तो ये इस खौफ की फिजा में क्या इलेक्शन होगा, बस वही मैं लेकिन मुकेश साहब एक चीज ऐड कीजिएगा, ये परवेज खटक फैक्टर पीटीआई के लिए केपीके में कितना तकलीफ दे हो सकता है या कितना चैलेंजिंग हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि परवेज खटक साहब शायद नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी काबू में ना आए जब वो इलेक्शन जीत जाए तो। पता नहीं आप उन्हें क्यों हवा बना रहे हैं, मेरी समझ से बलतर है सर, वो दावा कर रहे हैं सर, वो कह रहे हैं कि मुझे यकीन ध्यान ही दिलाई थी सर, वो जो मर्जी कहते रहे हैं, मैं अगर यहाँ जी वो यही चक्कर है वो, अब वो आप हर डायलॉग के ऊपर किसी सियासतदान के क्या मतलब आमन्नामा सदकना कह देंगे या उसकी हर बात मान लेंगे, अब राह चलता आदमी कह देगा जी मैं वजीर आजम हूँ तो आप कहेंगे हाँ ये वजीर आजम का उम्मीदवार है। सही सही। लेकिन शेर साहब एक चीज ऐड जरूर कीजिएगा, मुझे ये बताएं कि चले हम देखते हैं ये इलेक्शंस हो भी जाते हैं व्हाटसोएवर जो भी जमात आती है, अपेरेंटली ये लग रहा है कि शायद नून लीग की हवा है और नून लीग का वजीर आजम भी होगा, तो नून लीग का पहले तो वजीर आजम कौन होगा? शहबाज शरीफ साहब होंगे, नवाज शरीफ साहब होंगे, मरियम नवाज साहिबा होंगी या कोई और होगा, या शायद ये प्लीज इसको एलैबोरेट कर दें। देखें मियां नवाज शरीफ वाजे कैंडिडेट हैं, होंगे अगर हालात ठीक हुए, और अगर कहीं मार लगती हुई या कोई चीज ऐसी हुई कि जिसे जो उनके लिए कंफर्टेबल ना हुई, मैं जरा बड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से ये बात कर रहा हूं, तो फिर वो पंजाब की वजारत आला पर
अपना हक जरूर जिताएंगे। पावर बेस उनकी हमेशा से पंजाब रही है और उन्होंने पंजाब बेस सियासत की। आप कह रहे हैं मुकीम साहब, आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब हो सकते हैं, आप ही कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मैं मेरा मतलब यह है कि ये प्लान बी होगा। अच्छा, वो उनकी साहबजादी या कोई, हाँ उनकी पर साहबजादी मरियम नवाज शरीफ, मेरे हिसाब से, मेरे जाती तजिये में वो वजीर आला की कैंडिडेट। शेख साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, पंजाब की और ओवरऑल नून लीग की अगर बात करें तो कौन लीड करेगा? भाई मैं बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं लाहौर में बैठा हूँ और मैं लाहौर में देख रहा हूँ इनको। लाहौर में भी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो इनको मेरे ख्याल में एक सीट निकालनी भी मुश्किल हो जाएगी। आप पता नहीं किस दुनिया में बैठे हैं सर। चले ना, हो गए इलेक्शंस, आप समझे ना, आप हो गए इलेक्शंस, हो गए, अब नतीजा भी आ चुका है। मुझे बताएं कि गवर्नमेंट कौन बना रहा है? अगर उन्होंने ही करने हैं तो फिर वो जिसको मर्जी बना दें, उनकी मर्जी है, उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं सर। लेकिन कौन लीड करेगा? मियां साहब का मिजाज ऐसा है ना कि शायद एक मखलूत हुकूमत मियां साहब को सूट नहीं करती। आपको लगता है अगर एक मखलूत हुकूमत हो जिसमें पीपल्स पार्टी भी स्टेक होल्डर हो, आईपीपी भी हो, तो उसमें मियां साहब खुद लीड करने आएंगे या मरियम नवाज को मौका देंगे या शहबाज शरीफ साहब को मौका देंगे? नहीं जी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह रहा, मैं इस बारे में यही कहूंगा कि जो सिलेक्टर्स हैं वही डिसाइड करेंगे। और उनके करीब ज्यादातर कौन आपको नजर आ रहा है? मरियम नवाज साहब उनके करीब नजर आ रही है आपको? कह सकते हैं आप, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्टली, अगर ये सिलेक्शन हुई तो ये मैं ये दावा जरूर कर सकता हूँ, ये ज्यादा देर चलेगी नहीं, 6 महीने मैक्सिमम, 6-7 महीने में अल्टीमेटली ये जो है ये इसको वाइंड अप हो जाएगा। और ये इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद पीटीआई आपको माइनस होती हुई नजर आएगी कंप्लीटली या पीटीआई बची रहेगी किसी हद तक? भाई मेरे पीटीआई एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बन चुकी है, वो तो रेजिस्ट कर रहे हैं। बट आप देखें ना साइफर का मामला, उसमें भी ये सारी बातें निकल के आ रही है, सजा मौत की बातें निकल के आ रही हैं, तो आपको मैग्नीट्यूड का अंदाजा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो कह रहा है इसमें कुछ नहीं है, मतलब सेशन कोर्ट का जज जो है वो उसमें सजा मौत दे भी देगा तो सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी कह चुकी है कि इसमें है ही कुछ नहीं। अब किस दुनिया में बैठे हो? तो आपको लगता है कि काजी फैज ईसा साहब अगर ऐसा कोई फैसला आ जाता है जो खान साहब के अगेंस्ट है उसको टर्न डाउन कर देंगे? इंतकाल हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद आपका सुप्रीम कोर्ट का तरीन में नल्ला साहब के कोर्ट में ये केस गया था साइफर वाला, उन्होंने कहा इसमें है ही कुछ नहीं। सही सही, आपको उसको फांसी कर मतलब सेशन कोर्ट का जज लगा भी देगा तो उसके क्या होगा, हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से उड़ जाएगी। मुकीम साहब लास्ट सवाल यही आपसे सवाल है, आपको लगता है कि एक मखलूत हुकूमत में नवाज शरीफ साहब लीड कर सकते हैं, उनमें वो स्टेमिना वो पेशेंस है कि वो लीड कर सकें? यार इसका मैं एक लाइन में जवाब यही दे सकता हूँ कि वो क्या मेला देखने आए हैं वहां से लंदन से, उन्हें किस चीज की यकीन दहानी कराई गई थी? दूसरा ये जो राजा साहब ने कहा ना, तो मुझे एक और वाकया याद आ रहा, पनामा केस जब पहली मरतबा फाइल हुआ था तो वो एक दाढ़ी वाले बारिश चीफ जस्टिस थे जिनका ताल्लुक कराची सिंध से था, मुझे शायद मुस्लिम नाम था उनका सरनेम, उन्होंने वो केस उठा के फेंक दिया था कि दिस इज ए फ्रिवलस केस, ये मैं कोट कर रहा हूँ उन्हें, और बाद में पनामा में नवाज शरीफ को सजा हो गई थी। तो हमारे यहाँ सर कुछ भी हो सकता है, ये मुल्क खुदा आजाद पाकिस्तान है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आप दोनों ने वक्त दिया और हमारे जो मजेस मेहमानों ने जो आपने जो गुफ्तगू की आपने वो सुनी कि किस अंदाज से जो सूरत हाल है वो इस वक्त अनफोल्ड होती हुई नजर आ रही है, और ये जो सूरत हाल है वो यकीन तौर पर मजीद ड्रामा रुख इख्तियार करेगी जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आएंगे। इलेक्शंस हो जाएंगे तब भी ये सूरत हाल डिफ्यूज नहीं होने जा रही, क्योंकि जैसे ही इलेक्शंस होंगे एक नया माज होगा कि नई हुकूमत किसकी होगी और ये नई हुकूमत में कौन कितना बड़ा हिस्सा लेगा, केक का स्लाइस किसको बड़ा मिलेगा और किसको छोटा मिलेगा, किसको कहाँ पे कंपनसेट किया जाएगा, क्योंकि मल्टीपल प्लेयर्स हैं। एक जानब परवेज खटक साहब हैं, दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के वो अरकान है जो एक वक्त में मुनरफ हुए थे, फिर IPP है, पीपल्स पार्टी है, MQM और दीगर ऐसी बहुत सी जमातें हैं जो ये यकीनी तौर पे चाहेंगे अगली हुकूमत में अपना हिस्सा डालें। अपने मेजबान में उनको ज्यादा अपना क्या लगेगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो with Muneer Memon.